दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण हिंदू धर्म में सर्वोच्च हैं। वे हिंदू धर्म के केंद्र में हैं। उनका जन्म, जीवन और मृत्यु तीनों ही बहुत ही ज्यादा रहस्यमयी है। उन्होंने जीवन को संघर्ष की बजाय उत्साह और उत्सव में बिताने का उदाहरण प्रस्तुत किया। हालांकि भगवान श्री कृष्ण का संपूर्ण जीवन ही संघर्ष में व्यतीत हुआ, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने जीवन के प्रत्येक संघर्ष या संकट को बहुत हल्के में लेकर उसे अपनी तरह से संचालित किया। कहना चाहिए फ्रेंड्स कि उन्होंने अपने जीवन को रोचक, रोमांचक और ऐतिहासिक बनाने के लिए खुद ही संकट और संघर्ष को जन्म दिया। तो चलिए दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो में हम आपको जानकारी देते हैं भगवान श्री कृष्ण के जन्म काल के 5 ऐसे रहस्यों के बारे में जिन्हें जानकर आप भी अचंभित हो जाएंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं और बतलाते हैं आपको भगवान श्री कृष्ण के जन्म से जुड़ा हुआ पहला रहस्य। दोस्तों, भविष्यवाणी के अनुसार भगवान श्री विष्णु को देवकी के गर्भ से कृष्ण के रूप में जन्म लेना था। तब अपने 8वें अवतार के रूप में 8वें मनु वैवस्त के मनवंतर के 28वें द्वापर में भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की रात्रि के 7 मुहूर्त निकल गए और 8वां उपस्थित हुआ। तभी आधी रात के समय सबसे शुभ लग्न उपस्थित हुआ। उस लग्न पर केवल शुभ ग्रहों की दृष्टि थी। रोहिणी नक्षत्र तथा अष्टमी तिथि के संयोग से भगवान श्री कृष्ण का जन्म जयंती नामक योग में लगभग 3112 ईसा पूर्व में हुआ। ज्योतिषियों के अनुसार रात 12 बजे उस वक्त शून्य काल था। फ्रेंड्स, बहुत से लोगों के दिमाग में यह सवाल आता है कि कृष्ण जन्म के दौरान 8 का जो संयोग बना, क्या उसमें कोई रहस्य छुपा है? तो इसका उत्तर है कि भगवान कृष्ण की 8 पत्नियां थी। 8 अंक का उनके जीवन में बहुत ज्यादा महत्व रहा है। निश्चित ही प्रत्येक व्यक्ति को भी अपने जन्म के रहस्य को समझना चाहिए, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र कहता है कि हर व्यक्ति के जीवन में उसके जीवन का सार छुपा होता है। अब बात करते हैं दूसरे रहस्य की। फ्रेंड्स, जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ तब भारी बारिश हो रही थी और यमुना नदी में उफान था। उनके माता और पिता को उनकी मृत्यु का डर था। अंधेरा भी भयंकर था क्योंकि उस वक्त बिजली नहीं होती थी। इस बारे में ओशो रजनीश कहते हैं कि कृष्ण का जन्म अंधेरी रात में होता है, वह भी बंधन में और कारागृह में। प्रत्येक व्यक्ति का जन्म इसी तरह होता है। मन के अंधेरे से और कारागृह के मुक्ति ही जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। बीज अंधेरे में ही फूटता और पनपता है। भगवान श्री कृष्ण ने अपने जन्म की परिस्थिति को दुनिया में सबसे अलग बनाया। क्या आप नहीं जानते हैं कि दुनिया के प्रत्येक व्यक्ति के जन्म की परिस्थिति अलग होती है, लेकिन जो महान लोग होते हैं वे अपने जन्म की परिस्थिति को कठिन बनाते हैं। बात करें तीसरे रहस्य की, तो जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ तो जेल के सभी संतरी माया द्वारा गहरी नींद में सो गए। जेल के दरवाजे स्वतः ही खुल गए। उस वक्त भारी बारिश हो रही थी। यमुना में उफान था। उस बारिश में ही वासुदेव ने अपने नन्हे कृष्ण को एक सोपरे में रखा और उसको लेकर वे जेल से बाहर निकल आए। कुछ दूरी पर ही यमुना नदी थी, उन्हें उस पार जाना था, लेकिन कैसे? तभी चमत्कार हुआ। यमुना के जल ने भगवान के चरण छुए और फिर उसका जल दो हिस्सों में बट गया और इस पार से उस पार का रास्ता बन गया। कहते हैं कि वासुदेव भगवान कृष्ण को यमुना के उस पार गोकुल में अपने मित्र नंद गोप के यहाँ ले गए। वहाँ पर नंद की पत्नी यशोदा को भी एक कन्या उत्पन्न हुई थी। वासुदेव श्री कृष्ण को यशोदा के पास सुलाकर उस कन्या को ले आए। गोकुल में माँ यशोदा का मायका था और नंद गांव में उनका ससुराल। श्री कृष्ण का लालन पालन यशोदा व नंद ने किया। दुनिया में ऐसे कई बालक हैं जिन्हें उनकी माँ ने नहीं, दूसरी माँ ने पाल पोस कर बड़ा किया। दुनिया में योग माया की तरह ऐसी भी कई बालिकाएं हैं जिन्होंने किसी महान उद्देश्य के लिए खुद का बलिदान कर दिया और फिर वे जीवन भर कृष्ण जैसे भाई का साथ देती रहीं। अब बात करते हैं चौथे रहस्य की। फ्रेंड्स, जब कंस को पता चला कि छल पूर्वक वसुदेव और देवकी ने अपने पुत्र को कहीं और भेज दिया है तो उसने तुरंत चारों दिशाओं में अपने अनुचरों को भेज दिया और कह दिया कि अमुक अमुक समय पर जितने भी बालकों का जन्म हुआ हो उनका वध कर दिया जाए। पहली बार में ही कंस के अनुचरों को पता चला कि हो न हो वह बालक यमुना के उस पार ही छोड़ा गया है। उस बालक को मारने के लिए पूतना नाम की राक्षसी को भेजा जाता है, लेकिन श्री कृष्ण ने पूतना को नंद बाबा के
घर से कुछ दूरी पर ही अपनी माया से मार दिया। इसके बाद नंद गांव में कंस का आतंक बढ़ने लगा तो नंद बाबा ने वहां से पलायन कर दिया। कृष्ण जन्म के बाद उनको मारने की बहुत तरह की घटनाएं आती है, लेकिन वे सबसे बचकर निकल जाते हैं। जो भी उन्हें मारने आता है वही मर जाता है। कहना चाहिए कि मौत हार कर लौट जाती है। जिस व्यक्ति में जीने की तमन्ना है और जो मौत से नहीं डरता है वही जिंदगी को सुंदर बना सकता है। और पांचवा रहस्य है फ्रेंड्स, कहते हैं कि श्री कृष्ण के जन्म के समय 6 ग्रह उच्च के थे। उनकी कुंडली में लग्न में वृषभ राशि थी जिसमें चंद्र ग्रह था। चौथे भाव में सिंह राशि थी जिसमें सूर्य विराजमान थे। पांचवे भाव में कन्या राशि में बुध विराजमान थे। छठे भाव की तुला राशि में शनि और शुक्र ग्रह थे। नौवें अर्थात भाग्य स्थान पर मकर राशि थी जिसमें मंगल ग्रह उच्च के होकर विराजमान थे। ग्यारहवें भाव में मीन राशि के गुरु उच्च के होकर विराजमान थे। हालांकि कई विद्वान उनकी कुंडली के ग्रहों की स्थिति को इससे अलग भी बताते हैं। कुछ के अनुसार केतु लग्न में था तो कुछ के अनुसार छठे भाव में। तो दोस्तों यह थी एक छोटी सी जानकारी भगवान श्री कृष्ण के जन्म से जुड़ी हुई। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आप सभी को हमारा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और दोस्तों ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल ज्ञान मंथन को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए, जानते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।